सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद पुनर्विचार याचिका के रूप में अयोध्या में राम मंदिर की राह में जो अड़चन आई थी वो भी अब दूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले के खिलाफ दाखिल सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर का फैसला इंप्लीमेंट होगा, जिसका मतलब यह है कि वहां पे ट्रस्ट बनेगा और मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अयोध्या की विवादित जमीन रामलला को देने का फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ 18 पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें मुस्लिम पक्षकारों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद की अर्जी अहम है। मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के बगैर पूरा न्याय नहीं हो सकता है। वहीं हिंदू पक्ष में निर्मोही अखाड़े ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। राम मंदिर निर्माण के लिए गठित होने वाले ट्रस्ट में अपनी भूमिका साफ करने के लिए निर्मोही अखाड़े ने अर्जी डाली थी। तो जितनी पार्टीज थी वो पूरे समाज का पक्ष ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रही थी, और आज जो लोग पार्टीज नहीं है उनकी तरफ से रिव्यू पिटीशन फाइल की गई। तो सवाल ये बनता है कि जब इतने दिन की हियरिंग चली इलाहाबाद हाईकोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में, तब ये बुद्धिजीवी कहाँ थे? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद आपने रिव्यू पिटीशन क्यों फाइल की? और इसी का कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये सारी 18 रिव्यू पिटीशन डिसमिस की। पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद कई पक्षकारों ने खुलकर निराशा जाहिर की। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने वाले आज के फैसले से खुश हैं। हमारे दिल में खलजान और यूं कहिए कि असमंजस पहले भी था और आज भी है, और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इसकी तावील किस तरह करें। मैं चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए मंदिर के लिए जो भी आदेश किया है उसका पालन होना चाहिए। रिव्यू पिटीशन जजेस ने कंसीडर किया, उनके हिसाब से हमने जो पॉइंट आउट किया उनको सही नहीं लगा होगा, इसलिए उन्होंने खारिज किया। वो चैम्बर में जजेस काउंसिल से अलाउड होते नहीं, अगर इसमें नोटिस करते ओपन कोर्ट में आते तो हम उसको जस्टिफाई करते कि हमने रिव्यू में ऐसा क्यों लिखा है। ये वो लोग हैं जिनको अमन चैन पसंद नहीं है, ओवैसी जैसे लोग इसके बैकग्राउंड में। जिस पीठ ने पुनर्विचार याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया उसमें शामिल हैं चीफ जस्टिस ए.एस. बोबडे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस बोबडे, डी.वाई. चंद्रचूड़ और अब्दुल नजीर अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला देने वाली पीठ में भी शामिल थे। उसमें फैसले में जो बातें कही गई हैं, जो आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है, हम उसका अनुपालन करेंगे और समयबद्ध करेंगे जो हमें समय के साथ कहा गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि हम सब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानते हैं, उसका स्वागत करते हैं, इसलिए जो आदेश होगा उसको हम मानेंगे, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। पुनर्विचार याचिका के बाद अब आखिरी विकल्प क्यूरेटिव पिटीशन का बचा है, लेकिन कानूनी जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उस पर ज्यादा असर नहीं होगा, यानी अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो चुका है। हिमांशु मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।